ओके ओके ठीक है ओके ट्रेलर देखने के बाद ओके आखिरकार मैं ट्रेलर देख रहा हूँ। इतनी 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 तमन्ना के बाद, इतने सालों के बाद, इतने इंतज़ार के बाद आखिर ट्रेलर देख रहा हूँ। ठीक है ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फॉलोअर्स, मैं आपका दोस्त नबील आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ है और आज हम बात करेंगे अवेंजर द एंड गेम के ट्रेलर का ब्रेक डाउन करेंगे। तो शुरू करते हैं, इंतज़ार किस बात का है। तो ख़त्म हुआ इंतज़ार, ट्रेलर शुरू करते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है टोनी स्टार्क से, जो अपने हेलमेट को, आर्मर का हेलमेट जो होता है उस पर रिकॉर्डिंग कर रहा होता है अपनी। क्योंकि आपको अगर याद हो तो आयरन मैन 3 में जब वो टोनी का हेलमेट पहनती है तो उसका मैसेज उसे मिल जाता है। अगर वो इधर रिकॉर्ड करेगा तो पेपर के बाद मैसेज चला जाएगा खुद, और वो बता रहा होता है उसे अपना दुखड़ा कि हर जर्नी का एंड होता है और ये 4 दिन से उसका खाना भी ख़त्म हो चुका है और एक दिन रह गया है, उसका ऑक्सीजन भी ख़त्म हो जाएगा और वो काफ़ी दिनों से स्पेस में भटक रहा है। अब ये सुन के तो मेरा गूसबम्प छूट गया, कहाँ पर जिसे ना पता, और आखिरी सांस तक मेरी ज़बान पे सिर्फ एक ही नाम होगा, पेपर पोर्ट्स का। हाँ जी, और फिर वो अपनी रिकॉर्डिंग बंद कर देता है और हमारे सामने आता है मार्वल स्टूडियो का लोगो, जो बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाता है और फिर से गूसबम्प। फिर हमारे सामने आता है थैनोस का आर्मर, नया वाला, क्योंकि नया ही है। और फिर थैनोस हमें देखता है हमें डिस्ट्रॉयड इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ खेतों पर घूमता। फिर हमें दिखता है अवेंजर्स का हेडक्वार्टर, और यहाँ हमारे स्टीव रॉजर्स या फिर कैप्टन अमेरिका या फिर क्रिस इवांस कह लें रो रहे होते हैं, क्योंकि जो हो गया है। ब्लैक विंडो, उनकी आवाज़ आती है कि जो थैनोस चाहता था उसने कर दिया, हाफ यूनिवर्स ख़त्म करना। ब्रूस बैनर परेशान, वो देख रहा है कि कौन कौन लोग डिसइंटीग्रेट हो गए हैं या मर गए हैं। थोर, जो अपने सूट में नहीं है और नॉर्मल ह्यूमन के कपड़े पहने हुए हैं, और मुझे लगता है वो काफ़ी परेशान है और शर्मिंदा है, क्योंकि वो मार सकता था थैनोस को और वो नहीं मार सका, इसलिए वो मेरे ख्याल से अब अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि वो, मतलब मैंने अपनी इतनी लंबी थ्योरी पेश कर दी। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें दिखती है नेब्यूला, जो स्टार लॉर्ड मतलब गार्डियंस के जहाज़ में है, क्योंकि आप वो गोल गोल दे सकते हो। ब्लैक विंडो का हाथ या नताशा का, जो भी कह लें। और फिर आखिरकार हमें रोनन दिख जाता है, जो किसी को मार रहा होता है और ब्लैक विंडो उसे देख रही होती है और वो परेशान होती है आखिर कौन है। और धीरे धीरे गूसबम्प सस्पेंस, मतलब हमें तो नहीं होगा, और हॉकाई हमारे सामने आता है या कह रहे हैं रोनन आता है। और फिर स्टीव रोजर्स का एक आता है सीन जहाँ पे वो कह रही होती है इस दफ़ा अगर हमारे तो पूरा यूनिवर्स तो बाहर जाएगा, तो हमें इस दफ़ा हारना नहीं होगा। स्टीव रोजर्स कहते हैं इस दफ़ा नहीं आना होगा, इस दफ़ा हमें जीत नहीं होगा। गूसबम्प गूसबम्प, और कांपते कांपते अवेंजर वो का ट्रेलर आ जाता है, अवेंजर्स एंड गेम। और ये तो पक्का यार, ये मार्केटिंग का बड़ा ही अच्छा सिस्टम था इनका। और गूसबम्प अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, कांपते कांपते फनी सीन आ गया जिसमें स्कॉटलैंड घर के बाहर खड़ा हुआ है। अब घर के बाहर है या हेडक्वार्टर के बाहर है, वो जहाँ होंगे स्टीव परेशान हो जाता है और कहता है क्या ये पुरानी वीडियो है। वो कहती है, नताशा कहती है कि ये बाहर ही खड़ा हुआ है, और वो कहता है तुम्हें याद है हम काफ़ी साल पहले मिले थे, मैं एंटमैन स्कॉटलैंड परेशान कराने की कोशिश। और इसी के साथ ट्रेलर ख़त्म, और मेरी आंखें बाहर आ जाती हैं। चीख मारते हुए मैं जल्दी से बंद करता हूँ और दोबारा देखता हूँ। मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी मरतबा मैंने देख लिया होगा ये ट्रेलर, काफ़ी मरतबा देख लिया होगा। तो मेन पॉइंट जो आपको बता दूँ, जो मुझे दो बहुत बताने वाली चीज़ें समझ आई है, एक के टोनी स्टार्क बड़े ही बुरे हालात में कैसे सर्वाइव किए, खाना भी ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन भी ख़त्म हो गया, अब वो रुकेगा तो रुकेगा कहाँ स्पेस में, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी सालों बाद ही टोनी स्टार्क दिखेगा। अगर दिखा होता तो वो ऐसे रो नहीं रहे होते और अकेले लड़ाई करने का ना सोच रहे होते। और दूसरी बात, जैसे कि स्कॉट ने कहा हम काफ़ी साल पहले मिले थे, तो ये भी लगता है काफ़ी वक्त बाद है। और बात हमें रोनन भी इसमें दिख गए, जो बहुत ही शौक देने वाली मोमेंट थी। और ना ही हमें प्रोफेसर हल्क दिखा या हल्क दिखा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे डिस्क्रिप्शन ट्रेलर था,
वो इससे तो ज़रा मैच नहीं हो रहा। हाँ रोनन वाली बात सच में, रोनन दिखे है, पर ये भी सुनने में आया था हमें फर्स्ट ट्रेलर में रोनन नहीं दिखेगा। वैसे ये ट्रेलर नहीं, टीज़र ट्रेलर है, तो इन्जॉय करें जिन्होंने नहीं देखा। और ये हिंदी में भी आया, उसकी हिंदी डबिंग भी बहुत अच्छी है, और बाकी लैंग्वेज में भी जो होती है, इंग्लिश में और हिंदी में मैंने देखा है। तो जाके इन्जॉय करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए मुझे, क्योंकि काफ़ी सालों से, मतलब काफ़ी दिनों से मैं उधर ही न्यूज़ आपको मिल जाता हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं। तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।